नमस्कार आप सभी का बेहद स्वागत है सी आई टी एन सी आर टी के लाइव फोन इन इंटरक्टिव खास कार्यक्रम में टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम मैं हूं तन्वी खुराना इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर एक से लेकर चैनल नंबर बारह तक आज का हमारा कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि हम मना रहे हैं गणेश चतुर्थी आप सभी को हमारे हर एक दर्शक को हमारी पूरी टीम से की ओर से गणेश चतुर्थी की बेहद शुभकामनाएं उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ हो और इसी तरह गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे आज का कार्यक्रम हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में इस दिन की महत्वता के बारे में और गणेश जी के बारे में भी बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए इस त्यौहार के बारे में जानने के लिए और मेरे पास हैं बहुत सारे सवाल अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं कोई कहानी सुनना चाहते हैं गणेश जी से जुड़ी हुई या फिर गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई तो आप हम तक अपनी कहानी अपनी बातें अपने सवाल ज़रूर पहुँचाइए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं नंबर है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ अगर आप हमें आ, हमारे लाइव देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कि है एन सी ई आर टी ऑफिशियल उसके लाइव बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे साथ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी है आपका परिचय करवाना चाहेंगे मिस्टर अनिकेत पांडा से अनिकेत आपका बेहद स्वागत है यहाँ पर अनिकेत आपको हर एक शब्द जिसकी भी यहाँ चर्चा होगी उसे साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप तक पहुँचाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की एक मेहमान आइए परिचय करवाएंगे मिस सुरभित चावला से स्वागत है मैम आपका नमस्ते नमस्कार मैम है गेस्ट फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से और मैम के पास है कुछ कुछ कहानियाँ हमसे शेयर करने के लिए तो आप अपने सवाल हम तक जरूर पहुँचाइएगा और इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं बहुत सारे माध्यम हैं जिनके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं इस त्यौहार के बारे में मैम गणेश चतुर्थी की अगर हम बात करें तो हम जानना चाहेंगे कि, कि किस प्रकार का त्यौहार है ये और क्योंकि हर मुझे जहाँ तक जानकारी है भारत के हर एक क्षेत्र में नहीं मनाया जाता तो कहाँ मनाया जाता है और किस तरह मनाया जाता है जी आ, बहुत अच्छे सवाल हैं ये और सबसे पहले तो आ, सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी मैम और आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को तो मैम ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है कि गणेश चतुर्थी जो है वो हम मनाते क्यों हैं और हर चीज़ का कोई एक सिग्निफिकेंस होता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है तो बच्चों आपके लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं पर पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगी कि ये गणेश चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है तो गणेश चतुर्थी जो है वो हिंदू कैलेंडर में जो हमारे महीने होते हैं उसका छठा महीना है आजकल छठा महीना शुरू हुआ है तो छठे महीने का जो चौथा दिन है चतुर्थी चतुर्थी यानी कि चौथा तो चौथा दिन छठे महीने का गणेश चतुर्थी कहलाया जाता है आइए देखते हैं एक तो सभी को शुभकामनाएं हैप्पी गणेश चतुर्थी और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि क्योंकि यहाँ पे ये हमारा स्पेशल सेशन है स्पेशल नीड्स के बच्चों को हम ये सारा सेशन पहुँचाना चाह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रेल में भी अपने पीपीटी में डाला है और ब्रेल की कई सारी स्क्रिप्ट हैं जो मैंने इस्तेमाल करी है वो है यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल कोड वन तो गणेश चतुर्थी को भी ब्रेल में लिखा गया है अब आते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है क्योंकि गणेश जी का दूसरा नाम विनायक भी है और ये दस दिनों का त्यौहार होता है इट इज़ अ टेन डेज फेस्टिवल और यहाँ पे हम क्या मनाते हैं जो एलिफेंट हेडेड गॉड हैं हमारे गणेश जी उनका बर्थ जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो उसमें हम क्या सेलिब्रेट करते हैं कृष्ण जी का जन्म वैसे ही गणेश जी का जो जन्म है वो होता है गणेश चतुर्थी और यहां पे लिखा है कि ये चौथे दिन में शुरू होता है छठे महीने में यहां पर हम क्या करते हैं कि पहले दिन आज पहला दिन है और अब से जो दस दिन है तो गणेश जी की पूजा होगी यहां पे हम क्या करेंगे कि गणेश जी को हम आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे पास धरती पर हमारे पास आए हम सभी के साथ रहे और हमें बहुत सारी खुशियां दें बहुत सारी प्रोस्पेरिटी दें पहले दिन जो है गणेश जी की स्थापना की जाती है अपने घरों में मंदिरों में और बाहर टेंट भी लगाए जाते हैं वहां पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है पर एक चीज हमेशा ध्यान रखी जाती है कि गणेश जी को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके ऊपर उन्हें स्थापित किया जाता है और फिर एक रिचुअल है जिसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा यानी कि प्राण यानी कि लाइफ फोर्स तो जो मूर्ति है गणेश जी की उसमें हम प्राण डालते हैं प्राण को आमंत्रित करते हैं यानी कि लाइफ फोर्स को और फिर उसके बाद दूसरे दिन से नौ दूसरे दिन से लेके नौवें दिन तक हम और कई सारे रिचुअल्स करते हैं जिसमें हम अलग अलग तरह के भोग जो हैं यानी कि ऑफरिंग्स सोलह तरह की ऑफरिंग्स गणेश जी को चढ़ाते हैं तो आप ये देख रहे होंगे इस चित्र में कि गणेश जी जो हैं उन्हें स्थापित किया गया है और पूजा हो रही है जहां पे परिवार के सभी लोग इस पूजा में शामिल हैं यहाँ पे वेदिक जो चैंट्स हैं या हिम्स हैं वो बोले जा रहे हैं और कोई शंख बजा रहा है साथ में मोदक भी रखे हुए हैं यानी कि लड्डू जो गणेश जी को बहुत ज्यादा पसंद है और इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है ये देखिए मोदक कितने सारे फूल अब आते हैं दसवें दिन पर जब गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशंस खत्म होती हैं तो दसवें दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है अनंत यानी कि जब एंड हो अंत हो लेकिन अंत ऐसा अनंत जिसका कोई अंत भी नहीं है और बिगिनिंग भी नहीं है ये दस दिन का त्यौहार अंत होने जा रहा है लेकिन जो वो खुशियाँ हमारे जीवन में आ रही हैं वो आजीवन है यानी कि अनंत है अनंत खुशियाँ लेकर आ रहे हैं गणेश जी हमारे जीवन में और दशी यानी कि दसवां दिन तो चतुर्थी की जो सेलिब्रेशन हैं वो दसवें दिन समाप्त होती हैं अब दसवें दिन क्या किया जाता है कि घरों में मंदिरों में ऑफिस में स्कूल्स में जहाँ पर भी गणेश जी की स्थापना की जाती है उन आइडल्स को उठा के ले ले जाया जाता है किसी वाटर बॉडी में वो एक नदी हो सकती है कोई लेक हो सकती है सी हो सकता है समुद्र या ओशन हो सकता है और वहाँ पे उनका विसर्जन किया जाता है और उस विसर्जन का क्या सिंबलिज्म है या क्या सिग्निफिकेंस है कि अभी हमने उनको अपने पास बुलाया था अब हम उनको वापस भेज रहे हैं उनके मम्मी पापा के पास उनके मम्मी पापा कौन है शिवजी और पार्वती जो कि रहते हैं माउंट कैलाश पर कैलाश पर्वत पर तो आइए एक और चित्र देखते हैं यहां पर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कितने धूमधाम से विसर्जन के लिए ले, ले जाया जा रहा है और सभी लोग हैं सब लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं फूल बरसा रहे हैं और एक चीज देखिए यहाँ पे कैसे आरती भी उतारी जा रही है और विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है यहां पे आप विसर्जन का फोटो देखेंगे कि यहां पर हम एक वाटर बॉडी में आ गए हैं जो कि एक सी है और सभी लोग विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं ये देखिए कैसे वो डाल रहे हैं नीचे पानी में जैसे देखिये मैम हम कह सकते हैं कि गणेश जी पानी में समा रहे हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और मैम जब हम पूजा करते हैं गणेश जी की तो हम ये भी कहते हैं कि अगली बार फिर से आना फिर से आना गणपति बप्पा मोरिया बिल्कुल और मोरिया क्यों कहते हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है मोर यानी की पीकॉक जी और पीकॉक कब आता है कब नाचता है जब मानसून का सीजन होता है यानी कि जो अभी चल रहा है तो यही कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया और अगली बार फिर आना जी तो यानी कि जब अगली बार मानसून होगा तो आप फिर आइए फिर हमारे लिए खुशियाँ लेके आइए प्रॉस्पेरिटी लेके आइए इसलिए कहा जाता है बिल्कुल जी और आज सभी लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं पर हम जानना चाहेंगे कि मैम इस दिन की शुरुआत कैसे हुई बिल्कुल कब हुआ और गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था उनसे जुड़ी कोई कहानी है आपके पास तो जरूर बताइएगा जी बिल्कुल और मुझे लगता है ये कहानी बच्चों को बहुत पसंद आएगी जी। कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ उनका ओरिजिन कैसे हुआ तो ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ अभी मैंने आपको बताया कि गणेश जी के माता पिता कौन है शिव, शिव जी पार्वती जी पार्वती जी तो एक बार की बात है शिव जी और पार्वती जी तो पार्वती जी थी वो बहुत उदास हो रही थी उन्हें लग रहा था कि देखिए शिव जी के तो बहुत सारे गण हैं अब हालांकि उनके गण जो हैं वो बहुत लोग हैं बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं जानवर भी हैं और भूत प्रेत भी हैं और संसार के सभी जो इस तरह के प्राणी हैं वो उनके गण हैं पर मेरा अपना कौन है तो वो बहुत उदास थी एक बार ऐसा हुआ कि वो नहाने गई तो नंदी जी जो हैं यानी कि शिव जी की खास गण है तो उन्होंने नंदी जी को कहा कि आप गार्ड करिए ठीक है और किसी को अंदर नहीं आने देना अब शिव जी जो हैं वो आ रहे थे और नंदी जी जो है उन्होंने कहा कि ये तो मेरे गुरु हैं इनको मैं कैसे मना कर सकता हूं तो उन्होंने शिवजी को अंदर आने दिया अब पार्वती जी और उदास हो गई कि मेरी तो बात सुनने वाला कोई है ही नहीं तो वो ऐसे ही ये अपनी मन की व्यथा अपने सखियों को सुना रही थी तो उनके सखियों ने कहा कि क्यों ना आप खुद अपना ही कोई जीव जो है उसको क्रिएट करो तो पार्वती जी ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है तो एक बार वो नहा रही थी और उन्होंने टर्मरिक यानी हल्दी का पेस्ट अपने शरीर पर लगा रखा था और जब वो उसको उन्होंने धोया तो उस सब को उन्होंने इकट्ठे इकट्ठा किया कलेक्ट किया और उससे एक मूर्ति नुमा आकार दिया और फिर उस आकार में उन्होंने जान भर दी जब उन्होंने वो जान भर दी तो क्या निकला किसका ओरिजिन गणेश जी का पर ये ध्यान रहे कि गणेश जी का सर एलिफेंट की तरह नहीं था उसकी कहानी और इंटरेस्टिंग है <laughs> तो अब पार्वती जी ने क्या किया उन्होंने गणेश जी को कहा कि आप द्वार पर, पर खड़े द्वार पर खड़े रहिए और किसी को भी अंदर नहीं आने देना आपने मेरी सुरक्षा करनी है तो गणेश जी ने कहा हाँ बिल्कुल माँ आप जो कहेंगी वो मैं आपके लिए करूँगा तो इसी तरह से वो द्वार पर खड़े हो गए अब फिर से शिव जी आए और वो अंदर जाने के लिए उन्होंने कोशिश करी तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और शिव जी को बहुत गुस्सा आया कि मेरा ही घर है और मेरी ही पत्नी है जिनके पास जाने से तुम मुझे रोक रहे हो तो उन्होंने गुस्से में क्या किया मैं आपको दिखाती हूं मेरे पास इसका एक चित्र है ये देखिए तो गुस्से में आकर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया त्रिशूल ये देख रहे हैं आप त्रिशूल और उन्होंने ये त्रिशूल लेके गणेश जी का सर काट दिया और मैम आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने आ, ये टी एल एम बनाया है जी इसको मैंने टैक्टाइल बनाया है तो यानी कि ऊन जो है वो मैंने यहाँ पे लगाया है कि जिससे कि कोई एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है जी तो वो इसको छू कर इसका आकार जान सकता है इस तरह से और त्रिशूल का हाथों का पैरों का इस तरह से जी जी तो इस तरह से उन्होंने गणेश जी का सिर अलग कर दिया अब पार्वती जी जो हैं वो बहुत गुस्से में भी आई और बहुत नाराज हुई तो शिव जी को लगा कि उन्होंने तो कुछ बहुत गलत कर दिया है और पार्वती जी मान ही नहीं रही थी उन्होंने कहा कि किसी भी तरह मुझे अपना बेटा वापस चाहिए तो शिव जी ने अपने गणों को कहा कि आप एक काम करिए आप नॉर्थ की यानी कि उत्तर दिशा में जाइए और जो भी प्राणी आपको पहले दिखता है उसका सर ले आइए तो उनके गण जाते हैं उनको एक हाथी आता हुआ दिखाई देता है तो वो हाथी का सर काटते हैं और पार्वती जी के पास लेके आते हैं और फिर शिव जी और पार्वती जी मिलकर गणेश जी की बॉडी पर वो सर लगा देते हैं तो यहां से हम देखते हैं कि गणेश जी का ओरिजिन ऐसे हुआ तो इसलिए उनका सर जो है वो एलिफेंट की शेप का है और जो शरीर है वो इंसान का है जी इसलिए गणेश जी अलग दिखते हैं बिल्कुल उनकी जो मान्यता है वो है और वो हमेशा रहेगी मैम जैसे हिंदू आ, पुराणों में कुछ लोक गिने गए हैं हमने शिवलोक का नाम सुना है हमने विष्णु लोक का नाम सुना है पर गणेश लोक का भी हमने नाम सुना है पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हमें तो गणेश लोक के बारे में आप हमें कुछ बताएंगी और साथ ही साथ जब हम किन्हीं भी हमें अपने भगवानों का नाम लेते हैं तो दो लोगों का नाम साथ में आता है जी, जी. आ, लक्ष्मी विष्णु और नाम आता है आ, शिव पार्वती तो गणेश जी. जी के साथ किन का नाम आता है जी बहुत अच्छा सवाल है और इसका भी बहुत डीपर सिग्निफिकेंस है जी तो ये मैं अब आ, आपने शुरुआत करी गणेश लोक से हुँ. तो मैं उसके बारे में पहले बताती हूँ और फिर उनके कॉन्सर्ट्स के बारे में बताऊंगी कि उनकी शक्तियाँ कौन है गणेश जी की जी तो गणेश लोक जो है आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा कि गणेश लोक को हम स्वानंद भवन या स्वानंद भुवन भी कहते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेल में भी है और ये जो लोक है यानी कि भुवन है ये उत्तर की दिशा में है नॉर्थ डायरेक्शन और गणेश जी जो है वो एक थ्रोन पर बैठे हैं और वो थ्रोन किसका बना है एक लोटस का जिसके हज़ार पेटल्स हैं थाउजेंड पेटल्स और ये जो ओशन है इसमें पानी नहीं है इसमें पता है क्या है गन्ने का जो जूस होता है यानी कि शुगर केन जूस वो है और साथ में गोल्ड है जेम्स है प्रेशियस स्टोन्स हैं इसका मैं चित्र आपको दिखाती हूं ये देखिए इस तरह से अब इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताती हूँ कि गणेश लोक को स्व आनंद भुवन क्यों कहते हैं स्व यानी कि खुद और आनंद यानी कि खुशी या हैप्पीनेस या ब्लिस तो यहाँ पर बात आती है कि क्या गणेश जी सिर्फ पर्सनल ब्लिस की बात करते हैं यानी कि सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस की बात करते हैं या सब लोगों के लिए खुशियों की बात करते हैं और उनके लोक का नाम स्व आनंद भुवन क्यों है तो इसका एक बहुत बहुत ही गूढ़ मतलब है वो ये कि जब तक हम खुद अपने आप से खुश नहीं होंगे यानी कि स्व अपने आप में हमें खुशी नहीं होगी तो वो खुशी हम औरों को नहीं दे पाएंगे तो जब तक हम अपने आप में खुश नहीं हैं हम काफ़ी परेशानियों के साथ जूझ रहे हैं अपने आप में परेशान है मेंटल स्ट्रेस है तो हमारा मूड खराब रहेगा हम दूसरों पर भी गुस्सा करेंगे और बाकियों के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले हमें अपने आप को खुश रखना है अपने आप से प्यार रखना है और वही प्यार दूसरों में भी बांटना है तो इसलिए इसका ये सिग्निफिकेंस है जी अब आपका दूसरा सवाल था कि इनके साथ हम और किन देवियों का नाम लेते हैं जी तो वो भी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ तो गणेश जी के साथ जो हम नाम लेते हैं वो है माँ रिद्धि और माँ सिद्धि रिद्धि और सिद्धि का मतलब है अगेन प्रॉस्पेरिटी से रिद्धि यानी कि बहुत खुशहाली है प्रॉस्पेरिटी है मेरे पास सब कुछ है और मैं पूरी तरह से खुश हूँ और सिद्धि यानी कि जो मेरे पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं यानी कि मैं खुश भी हूँ मैं इंटेलिजेंट भी हूँ और मुझे मेरे अंदर सोचने समझने की भी शक्ति है तो अगर हम गणेश जी को पूछते हैं या उनके आ, जो ये सिग्निफिकेंस हैं उनको अपने लाइफ में उतारते हैं तो उनके साथ हमें ये दो शक्तियाँ यानी कि रिद्धि और सिद्धि हमें हमेशा हमारे साथ रहती हैं जी मैम लेकिन जब हम पूजा करते हैं गणेश जी की और जी, क्योंकि दिवाली आने वाली है और हम जो घर में हम मूर्तियाँ रखते हैं और सभी भगवानों की पूजा करते हैं तो उसमें ना दो नाम और भी आते हैं जी, गणेश जी की जो फोटो आती है उसमें एक साइड पे लक्ष्मी जी होती है एक साइड पे सरस्वती माँ होती है तो इन दोनों का आ, नाम गणेश जी के साथ क्यों लिया जाता है ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा और मुझे लगता है कि बाकी दर्शकों में भी थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि अभी मैंने रिद्धि सिद्धि माँ की बात करी जी। और यहाँ पर हम जो दिवाली पर देखते हैं कि साथ में लक्ष्मी जी भी हैं सरस्वती जी भी हैं तो वो कौन है क्या वो वो भी गणेश जी की शक्तियाँ हैं या वाइव्स हैं या रिद्धि सिद्धि जो हैं वो इनकी वाइव्स हैं तो यहाँ पर मैं पहले तो दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं तो वो सब कहानियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि हम अपना जीवन को सुधार सकें अपने जीवन में खुशहाली ला सकें अपनी बढ़ोतरी कर सकें तो कई बार क्षेत्रों में भी फ़र्क होता है कुछ लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं साथ में कुछ लोग माँ रिद्धि माँ सिद्धि की पूजा करते हैं पर अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊं तो लक्ष्मी जी की हम पूजा और सरस्वती जी की पूजा गणेश जी के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी सिग्निफाई करती हैं वेल्थ को और सरस्वती सिग्निफाई करती हैं विजडम को और गणेश जी जो हैं अगर हम गणेश जी के को फॉलो करते हैं तो गणेश जी का मतलब है डिस्क्रिमिनेट पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वो वाला डिस्क्रिमिनेशन मत समझिएगा भेदभाव वाला कि ये आ, अच्छा है ये अच्छा नहीं है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या डिसेबिलिटी के लिए डिस्क्रिमिनेशन वो वाला डिस्क्रिमिनेशन की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं कि हमें पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे जीवन में तो क्या होता है कि अगर हम सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि हमारे पास वेल्थ आए तो ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ वेल्थ अक्यूमुलेट करें और उसके चक्कर में हम विजडम भूल जाएं कि कितनी हमें वेल्थ चाहिए है, चाहिए है कितनी अपने पास रखनी है कितनी दूसरों को देनी है और सरस्वती जी अगर उनके साथ होंगी तो एक विजडम हमारे पास है कि हमें किस तरह से पैसे कमाने हैं किस तरह से वेल्थ चाहिए और गणेश जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो पावर कि जो ये जांच सके कि वेल्थ को कैसे लेना है विजडम को अप्लाई करते हुए समझ आया बिल्कुल तो विजडम यानी कि सरस्वती जी हुँ. को अप्लाई कर रहे हैं कि कैसे वेल्थ को पाना है जी और गणेश जी उस पावर को सिग्निफाई कर रहे हैं बिल्कुल और जब वो ऐसा होता है तो हमें साथ में ये अकम्प्लमेंट्स मिलती हैं तो रिद्धि और सिद्धि जो है वो अकम्पलिशमेंट्स हैं कि हमें खुशहाली मिलती है प्रॉस्पेरिटी मिलती है और साथ में सिद्धि भी मिलती है पावर्स भी मिलती हैं जी हम जी। कह सकते हैं बुद्धि शक्ति और पैसा सब साथ सब में। साथ में जी जी मैम अगर हम गणेश जी की बात करते हैं तो मुझे लगता है आधा घंटा बहुत कम होगा उनके बारे में बात करने के लिए पर गणेश जी आ, अपने आप में एक वो भगवान है जिनमें हम देख सकते हैं उनका जो सर है वो हाथी का है जी। और हम देख सकते हैं उनका एक वाहन भी है जी। और देख सकते हैं उनका एक अस्त्र भी है जी। क्या आप इनके बारे में हमें कुछ बताएंगी और वो मोदक खाना भी पसंद करते जी, हैं बिल्कुल उनके जो अलग अलग शरीर के हिस्से हैं उनकी भी कुछ पहचान है बिल्कुल और उनके बारे में कुछ कहानी है ऐसी जो आप बताना चाहेंगी बिल्कुल सही तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने ये तो देख लिया कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ पर वो आ, एलिफेंट का ही सर क्यों उनके आ, उनके ऊपर लगाया गया तो उनके हर बॉडी पार्ट का सिग्निफिकेंस है जी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्ले से बनाया है दो गणेश जी की मूर्ति और इसमें आप देख सकते हैं जैसे उनका सर जो है वो बड़ा है सर बड़ा क्यों है अभी हमने विजडम की बात करी क्योंकि तो ये रिप्रेजेंट करता है वो पावर डिस्क्रिमिनेशन की पावर जो सोच सके इस चीज़ को अप्लाई कर सके कि क्या सही है क्या गलत फिर आता है हमारा उनकी ट्रंक उनकी जो सूंड है वो बहुत फ्लेक्सिबल है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है और फिर आते हैं बड़े कान बड़े कान यानी कि सुनने की शक्ति वो बहुत अच्छे से सुनते हैं सबकी बात सुनते हैं सबकी प्रेयर्स हैं उनको फुलफिल करते हैं छोटी आंखें यानी कि कंसंट्रेशन और बड़ा पेट हमने देखा होगा कि गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है वो पेट क्यों बड़ा है क्योंकि जो भी अच्छा है बुरा है वो सब अपने में समा लेते हैं लेकिन उनके पास एक पावर है कि वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं हम क्या करते हैं हम अक्यूमुलेट करते हैं पर हमारे पास वो डाइजेस्ट करने की शक्ति नहीं होती पर फिर भी हम अक्यूमुलेट करते रहते हैं yeah. और इसलिए हम सफ़र करते हैं यानी हमें परेशानियां होती हैं हमारे पास सामान इतना है पर हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं yeah. पर गणेश जी में ये पावर है कि जो भी अच्छा है बुरा है वो अपने आप में समाते हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं तभी उनका पेट बहुत बड़ा है जी तो जी। आपने उनके शरीर के हर एक अंग की सिग्निफिकेंस हमें बताई है और मैम एक चीज और है गणेश जी के बारे में हमने सुना है कि गणेश जी ने महाभारत लिखी थी जी सबसे पहले उसे वेद जी ने लिखा था पर फिर गणेश जी ने उन्हें लिखा था जी। आ, तो क्या ये सच है और किस तरह से ये सच है इससे इससे जुड़ा कोई किस्सा है आपके पास बिल्कुल और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है हुँ. तो जैसा कि आपने बताया वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने महाभारत को कंपोज किया हुँ. उनके दिमाग में था पर वो किसी को ढूंढ रहे थे कि कौन इसको लिख सकता है हुँ. तो उन्होंने ब्रह्म जी से रिक्वेस्ट करी कि आप किसी को सुझाएं तो ब्रह्म जी ने कहा कि गणेश जी से बेहतर इसको कोई नहीं लिख सकता तो उन्होंने गणेश जी से रिक्वेस्ट करी और उन्होंने कहा कि आप इसे लिखिए तो गणेश जी ने कहा ठीक है मैं इसको लिखूंगा लेकिन एक शर्त पर कि आप रुकेंगे नहीं आप बोलते रहेंगे और मैं लिखता रहूंगा मेरा लिखना रुकना नहीं चाहिए तो वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है मैं आपकी इस शर्त को मानता हूं आप लिखिए तो उन्होंने ये महाभारत की कहानी बोलना शुरू करी और गणेश जी उसको लिखते गए मैं आपको दिखाती हूं ये देखिए तो इसमें ये वेद व्यास जी हैं और ये गणेश जी यहाँ पर महाभारत को लिख रहे हैं लेकिन होता क्या है कि लिखते लिखते जिस कलम से गणेश जी लिख रहे थे वो टूट जाती है अब शर्त ये थी कि लिखना जो है वो रुकना नहीं चाहिए तो गणेश जी ने क्या किया कि अपना ही एक दांत उसको तोड़ लिया और उससे लिखना शुरू कर दिया ये देखिए इसमें ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा ये दांत है जिससे गणेश जी लिख रहे हैं अब इसका भी एक सिग्निफिकेंस है इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि गणेश जी जो हैं वो कहते हैं विजडम का क्या मतलब है कि हम अपनी अटैचमेंट जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं उससे अपनी अटैचमेंट को त्याग दें अब गणेश जी ने ये खुद करके दिखाया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनका दांत टूट रहा है उन्होंने उनका ये सेल्फलेस एक्ट था कि उन्होंने अपने दांत को तोड़ा और उसी से ये इम्पोर्टेंट काम था महाभारत को लिखना उसको जारी रखा तो ये दिखाता है कि उन्हें भी अटैचमेंट नहीं है किसी चीज से और हमें भी ये चीजें करनी चाहिए तो जैसे आप ये देख रहे हैं आपने अस्त्र की बात करी जी। तो ये वो अस्त्र है एक्स जिससे अटैचमेंट को तोड़ा जाता है और ये आप देख रहे हैं मोदक जो हम गणेश जी को ऑफर करते हैं यानी कि लड्डू इसका मतलब ये है कि जब हम इन टीचिंग्स को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है मोदक लड्डू बहुत स्वीट होते हैं यानी कि हमें अच्छा लगता है आनंद आता है और साथ साथ जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं अटैचमेंट को त्यागते हैं तब भी हमें ब्लिस मिलता है यानी कि आनंद मिलता है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये चूहा जो आपने बात करी कि ये वहीकल उनका है तो चूहे का सिग्निफिकेंस क्या है कि चूहा रिप्रेजेंट करता है हमारा वॉन्ड्रिंग माइंड आपने देखा होगा कि हमारा मन कैसा है वो दौड़ता रहता है भागता रहता है इधर इधर उधर और चूहा जो है आप देखेंगे इतना छोटा सा प्राणी है लेकिन अगर इसको घर में खुला छोड़ दिया जाए तो ये सब कुछ नष्ट कर सकता है हमारे कपड़े हो राशन हो सब कुछ नष्ट कर सकता है तो ये हमारी डिज़ायर्स और वॉन्ड्रिंग माइंड को रिप्रेजेंट करता है अगर हमारी डिज़ायर बढ़ती जाए बढ़ती जाए इच्छाएं बढ़ती जाए तो हम कभी भी सैटिस्फाई नहीं होंगे तो गणेश जी के इसलिए ये व्हीकल हैं कि गणेश जी ही जो हैं वो हम अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो अगर हमारे अंदर वो पावर हो तो हम भी अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताया मैम इसीलिए शायद हम गणेश जी को एक दंत भी कहते हैं बिल्कुल सही क्योंकि अपने उन्होंने अपना दांत तोड़ा था इसलिए उनका एक नाम एक दंत भी है जी। बहुत सही जी और मैम जब भी हम पूजा करने बैठते हैं किसी भी ओकेजन पे पूजा हो किसी भी त्योहार पे हो तो हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं ऐसा क्यों करते हैं बिल्कुल सही तो अगर हमें कोई भी सिद्धि पानी हो जैसे हमने कहा गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि दोनों होती हैं तो कुछ भी हमने अकम्पलिश करना हो सिद्धि मतलब कि अकम्पलिश करना तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटिव पावर को इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत अगर हमारा इंटेंशन ही सही नहीं होगा हम यही नहीं सोच पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत तो हम कोई भी काम करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा इसलिए हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं कि हम अपने माइंड में ये एक इंटेंशन सेट कर सकें कि हमें सही दिशा में जाना है सही पाथ को चूज़ करना है जब वो सेट हो जाए उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर बढ़ते हैं बाकी देवी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बाकी अपना कार्य शुरू करते हैं बिल्कुल तो ये जो सीख है मैम मुझे लगता है ये हर एक मनुष्य के लिए है हर एक व्यक्ति के लिए है सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं और सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं और मैम जो आपने गणेश जी की हमें त्याग की कहानी सुनाई क्या हम कह सकते हैं कि वो आज के दिनों में भी लागू होती है बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि कभी भी हम माइथोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कहानी सुने तो उसे अपने जीवन में जरूर अप्लाई करें और क्योंकि सभी बच्चे पेरेंट्स टीचर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो ये सोच रहे होंगे कि कहानियाँ तो हमने बहुत सुन ली पर इसका हम अपने जीवन में क्या करें तो बताना चाहूँगी कि इसका बहुत रेलिवेंस है हमारे जीवन में बच्चों के लिए भी टीचर्स के लिए भी पेरेंट्स के लिए भी तो जो मैंने ये बात कही डिस्क्रिमिनेट करने की जो पावर है कि क्या सही है क्या गलत है तो जब कोई भी कार्य कर रहे हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है क्या सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने के लिए या एक अच्छा इंसान बनने के लिए पेरेंट्स जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं वो किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं उसका भी एक तरीका है क्योंकि हर पेरेंट और टीचर अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहता है लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बात को अच्छे से कह ना पाए तो वहाँ पर भी हम गणेश जी को याद कर सकते हैं कि हम सही काम करें सही तरह से बोलें सही दिशा में बच्चों को गाइड करें तो ये चीज़ें हैं जो हमारे आज के ज़माने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल और मैम जाने से पहले क्या आप हमारे दर्शकों को कोई सुझाव कोई मैसेज देना चाहेंगी आज के दिन से जुड़ा हुआ जी तो एक बार तो फिर से सभी को शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की और साथ में ये कहना चाहूँगी कि जो हाँ, आज का हमारा सत्र है बहुत सारी कहानियां हैं गणेश जी की जो हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि जैसा आपने कहा थर्टी मिनट्स का समय बहुत कम होता है जी. पर अगर बच्चे पेरेंट्स टीचर्स सभी और जानने की कोशिश करें किताबों से वीडियो से तो बहुत सारे और स्टोरीज़ कहानियाँ आपको जानने को मिलेंगी उनका सिग्निफिकेंस आप और अच्छे से जान पाएंगे और आप तो आप ये करें अपने घर पर और साथ साथ रोज़ प्रैक्टिस करें कि कैसे जो इनकी टीचिंग्स हैं वो हम रोज़ अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल इनकी टीचिंग्स हम सभी फॉलो कर सकते हैं और करना चाहे तो पक्का आज के समय में भी मॉडर्न टाइम में भी ये पॉसिबल है जी बिल्कुल मैम एक चीज और मुझे याद आ रही थी जब हम गाड़ी चलाते हैं या हम कोई भी वाहन चलाते हैं तो एक छोटी सी मूर्ति हम गणेश जी की जरूर रखते हैं और ये हमने हर गाड़ी में देखा होगा जी। तो आप बताना चाहेंगे ऐसा क्यों करते हैं हम जी क्योंकि गणेश जी को विघ्नहरता भी कहते हैं तो कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो उसको हटाने में गणेश जी हमारी मदद करते हैं तो कहीं भी हम जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं कार से यात्रा करते हैं तो कोई रुकावट ना आए कोई ऑब्स्टिकल ना आए तो इसलिए भी हम गणेश जी की मूर्ति हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल्स हमारे लाइफ में ना आए बिल्कुल मैम बेहद धन्यवाद आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अगर किसी ने गणेश जी की स्थापना नहीं करी होगी मुझे लगता है वो भी परिवार आज स्थापना जरूर करेंगे और इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएंगे मैम बेहद धन्यवाद आज जुड़ने के लिए आपका साथ। भी हाँ, थैंक यू थैंक यू धन्यवाद करना चाहेंगे हम अनिकेत आपका भी एक एक शब्द आपने हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाया साइन लैंग्वेज के माध्यम से आपका बेहद धन्यवाद धन्यवाद हर उस दर्शक का जिन्होंने कार्यक्रम देखा और पसंद किया किसी भी कारणवश आपने इसे नहीं देखा हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आप ई विद्या चैनल्स देखते रहिए क्योंकि अभी पूरे दिन में हमारे पास हैं आप सभी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और हम हम उम्मीद करेंगे कि जैसे गणेश जी सभी के लिए लेकर आते हैं अनंत खुशियाँ आपके भी जीवन में लेकर आए और कोई भी विघ्न हो उसे हर ले तो आप ज़रूर मनाइए आज का ये त्यौहार दस दिन का मैम ने बताया कि ये त्यौहार होता है आज ही के दिन से शुरू होता है क्योंकि आज चतुर्थी है तो उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ हो और ये पूरा त्यौहार भी बहुत अच्छे से मना पाए आप जाने से पहले एक जानकारी देना चाहेंगे एन की जो किताबें हैं नए एकेडमिक सेशन के लिए 2023-2024 के लिए वो अब पूरे भारत में उपलब्ध हैं आप चाहें तो उन्हें ख़रीद सकते हैं डायरेक्टली सेल्स काउंटर से सेल्स काउंटर खुले हैं सुबह साढ़े नौ बजे से छः बजे तक और आप जाकर खरीद सकते हैं ये मौजूद है नई दिल्ली में बेंगलुरु कोलकाता, अहमदाबाद और गुवाहाटी में अगर आप चाहें तो इनका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं घर बैठे बैठे और उसके लिए वेबसाइट होगी एन सी आर टी बुक्स डॉट एन सी आर टी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन घर बैठे बैठे आप तक किताबें पहुंच जाएंगी आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है और अगर आप चाहें तो इनका पी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं एन दीक्षा या ई पाठशाला की वेबसाइट या उसके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से तो ये थी एन सी की किताबों के बारे में जानकारी जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं हूं तनवी खुराना मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार